से सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इस फॉर्म में होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस केस में जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम का, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड दिस इज द माई इक्वेशन विच आई हैव। तो मैटलैब में इसको राइट कैसे करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें थीटा वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टू टी वेरी कर रहा है, तो हम थीटा को अज्यूम कर लेंगे एक्स वन है। तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्स टू। और इसी तरह डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स थ्री, ऐसे अज्यूम करते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो थीटा को एक्स एज एक्स वन अज्यूम किया और एक्स टू को, तब एक डी थीटा बाई डी टी एक्स टू हो जाएगा। इसी तरह ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, लेट से डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर एक्स थ्री हो जाएगा, ऐसे अजम्पशन करते। तो यहाँ पे जैसे ये मेंशन है एक्स टू क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी या डी थीटा बाई डी टी। इसी तरह ये मेरा पूरा इक्वेशन आ जाएगा मेरा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको जब सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन पेंडुलम, जैसे ये कोई भी इनबिल्ट फंक्शन हो गया। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब मेरे सिंपल पेंडुलम में जो भी कांस्टेंट है पेंडुलम इक्वेशन में, लाइक जी इज इक्वल टू 9.81, और इनिशियली लेंथ क्या है जो थ्रेड पे है जिस पे वो हैंगिंग कर रहा है। ओके, इसके बाद करने के बाद अब मेरा इक्वेशन ये है, तो इसमें एक्स टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। तो हमने यहाँ पे एक्स टू डिफाइन कर दिया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ऑटोमेटिकली मेरा एक्स थ्री हो जाएगा माइनस जी एल बाई साइन थीटा। सो माइनस जी एल बाई साइन एक्स वन हो जाएगा इस केस में, राइट। सो माइनस जी एल इंटू साइन एक्स वन हो गया। इस टाइप से एक फंक्शन बना लेंगे। अब इस फंक्शन को सॉल्व करना है तो डिफरेंट काइंड ऑफ ओडी इक्वेशंस हैं, आप डिपेंड है, जैसे ओडी 45 है, रुंजा कुट्टा मेथड है, डिफरेंट मेथड है। तो जनरली ओडी 45 से सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो ओडी 45 इनबिल्ट फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा यूजिंग एट दी रेट, ये टाइम स्पेन हो गया, कितने टाइम स्पेन में इसको सॉल्व करना है, एंड दिस इज द इनिशियल कंडीशन, आई मीन एट टी इज इक्वल टू जीरो, लेट से वेलोसिटी वॉज 0.5, एट टी इज इक्वल टू जीरो, लेट डिस्प्लेसमेंट वॉज 0.5 जीरो। सो सिंपली ये इसमें आउटपुट क्या आएगा, टाइम आएगा और सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आएगा पेंडुलम का। सो इफ आई गो हेयर एंड इसको मैं रन कराऊंगा इस फंक्शन को कॉल करके, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, आ गया। अब इसको प्लॉट करूंगा टी कॉमा एक्स। टी एक्स में दो दो मैट्रिक दो कॉलम बनेगा, एक डिस्प्लेसमेंट के लिए एक वेलोसिटी के लिए, ये आ गया। तो ये वाला वेलोसिटी है एंड ब्लू वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे इसको देखना है, तो मैं लीजेंड दे दूंगा बाई कलर, लेट से दैट फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड इज वेलोसिटी, सिंपल कमांड लीजेंड आ गया। तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा वेलोसिटी है। तो मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, मतलब एक्सेलरेशन के फॉर्म में ये इक्वेशन है मेरे पास, है ना, ये इक्वेशन एक्सेलरेशन के फॉर्म में है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आएगा और डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। सो एनी काइंड ऑफ इट कैन बी थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर। बस अजम्पशन करेंगे कि एक्स, लेट से दैट वॉट एवर जो मेरा वेरिएबल है जो सॉल्व करना है, लेट से दैट इज एक्स वन, देन फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा एक्स टू, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, लाइक दिस। एंड सेम वे वी विल क्रिएट अ फंक्शन एंड ओडी 45, कॉल दैट फंक्शन यूजिंग फंक्शन हैंडल, टाइम स्पेन, एंड दिस इज द इनिशियल वैल्यूज, ए टी इज इक्वल टू जीरो, वट इज द वेलोसिटी, वट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर थर्ड ऑर्डर का होता तो तीन इनिशियल कंडीशन आई मीन वैल्यूज होता।
अगर इस सेम इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिख रहा है सिमुलिंक में सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को अगर सिमुलिंक में सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिमुलिंक ओपन करूँगा। सिमुलिंक में पहले लाइब्रेरी दिखा देता हूँ, क्या क्या लाइब्रेरी है। इन दिस केस इट इज़ अ ग्राफिकल वे टू डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ मॉडल। इसमें ये सोर्सेस हैं, लाइक कॉन्स्टेंट है, साइन है, रैम पल्स जनरेटर है, रैम फंक्शंस हैं। अगर मैथ ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वी हैव एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड दिस काइंड ऑफ ब्लॉक्स आर अवेलेबल। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना हो तो वी हैव इंटीग्रेटर ब्लॉक, डिफरेंशिएटर, डेरिवेटिव ब्लॉक इज देयर। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ब्लॉक्स आर अवेलेबल। जैसे मैं इमेज प्रोसेसिंग पे यूज कर रहा हूँ तो आई कैन सी ब्लॉक्स फॉर कंप्यूटर विजन ऑल्सो। ब्लॉक्स आर, जब मुझे ब्लॉक्स को कनेक्ट करना होता है और ऐड करना होता है, तो इस केस में जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है, डबल थीटा इज इक्वल टू माइनस जी एल इंटू साइन एक्स वन। तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो पहले सिमुलिंक के यहाँ पे सिमुलिंक ओपन करूँगा एंड फ्रॉम हियर वी विल ओपन द ब्लैंक मॉडल। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम राइट कर लेते हैं एज अ टेक्स्ट वहाँ पे ये है। यहाँ पे ऑप्शन है एनोटेट करने के लिए, तो ये टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड लेट मी इंक्रीज द विथ ऑफ दिस। दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव टू सॉल्व। ओके, सो इन दिस केस यू सी दैट वी रिक्वायर टू इंटीग्रेटर। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स एक्चुअली ये जो इक्वेशन है थीटा डबल डैश इज इक्वल टू है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज। ओके, इसको सिमुलिंक में बाय यूजिंग ब्लॉक्स इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर अ टू इंटीग्रेटर। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंटिन्यूस में जाऊँगा, यहाँ से मैं देखूँगा इंटीग्रेटर कहाँ पे है, यहाँ पे इंटीग्रेटर है। राइट क्लिक, एड इट, वन मोर इंटीग्रेटर एंड एड इट हियर। ओके, वी हैव दिस टू इंटीग्रेटर हियर एंड वन इंटीग्रेटर इज दिस। एंड नाउ लेट से दैट हियर विच आउटपुट आई एम गेटिंग दैट इज थीटा डैश। तो यहाँ पे मैं लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि पता रहेगा कौन से लाइन में कौन सा आउटपुट जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा डबल डैश, ये डबल इंटीग्रेटर है, तो एक इंटीग्रेटर यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आफ्टर वन इंटीग्रेशन हियर वी विल गेट थीटा, राइट। और एक इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आउट थीटा, सॉरी ये थीटा होगा, ये थीटा डैश होगा, ये थीटा डैश होगा। आफ्टर वन इंटीग्रेशन विल गेट द थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस इक्वेशन। तो यू सी हियर, ये जो एक्स वन है यहाँ पे ये थीटा है, राइट, ये थीटा है, परफेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इनपुट है थीटा डबल डैश यहाँ पे माइनस जी एल से मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन थीटा के साथ, है ना। तो थीटा मेरा यहाँ पे आ रहा है, एक मुझे साइन ब्लॉक चाहिए। तो अगर आपको ब्लॉक नेम पता है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये साइन ब्लॉक आ गया, नॉट दिस वन, सिंपल साइन ब्लॉक आई वॉन्ट, ये आ गया साइन ब्लॉक, ये साइन ब्लॉक आ गया, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। एंड यू सी दैट जो यहाँ से थीटा आ रहा है वो साइन को एज ए इनपुट जा रहा है, मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। ये जो थीटा आ रहा है यहाँ से थीटा, ये साइन को एज ए इनपुट जा रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब माइनस जी एल से मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं या हम गेन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो गेन ब्लॉक इज दिस, इस गेन ब्लॉक में माइनस जी बाई एल, तो जी का जी वैल्यू क्या होगा, 9.8, तो ये माइनस में है तो -9.8 बाई एल। एल की वैल्यू इस केस में वन है, 1 मीटर है, तो इसको सिर्फ -9.8 ही कर देते हैं। ओके, नाउ आवर इक्वेशन इज कंप्लीट। ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस पे डिज़ाइन कर दिया। अब इनिशियल कंडीशन,
तो ये इस आई मीन इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, इस ब्लॉक को डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करवाने के लिए। लेट्स से कि 0.5 स्पीड था, एंगुलर वेलोसिटी 0.5, एंड एट टी इज इक्वल टू जीरो लेट्स से दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब ये मॉडल बन गया, इस वैल्यू को मुझे मेजर करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, ब्राउजर में जाऊंगा, सिंक में देर इज वन स्कोप विच आई एम गोइंग टू ऐड, ठीक है। तो इस स्कोप को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, परफेक्ट। और एक यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट इस पे शो होगा, एक स्कोप मैं और ऐड करता हूँ वेलोसिटी शो करने के लिए। इसका लेआउट मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से दो लेआउट है ना, तो एक पे मुझे वेलोसिटी दिखेगा, एक पे मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। यहाँ से मैंने ये वायर ऐड कर दिया, राइट, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, परफेक्ट। नाउ इसमें सॉल्वर कौन सा यूज करना है, तो मैं ये मॉडल सेटिंग में जाऊँगा एंड फ्रॉम हियर ये डिफरेंट सॉल्वर्स हैं, डिफरेंट सॉल्वर्स हैं, OD45 है, 23 है। तो OD45 जैसे रुंजा कत्तमटा, सो दैट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, डन। और कितने सेकेंड के लिए इसको सॉल्व करना है, हियर यू कैन प्रोवाइड द टाइम, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड दिस इज द टाइम फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड दिस इज द स्कोप वेयर वी कैन सी आउटपुट। सो लेट्स से दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर 0 to 10 सेकेंड एंड आई एम गोइंग टू रन दिस एंड सी, परफेक्ट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी सेकेंड। अब लेट्स से मुझे 5 सेकेंड के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 1 मिनट, वो तो आप ही डिसाइड करोगे ना, आपको कितने सेकेंड के लिए सॉल्व करना है, मैं क्यों डिसाइड, मतलब ऐसा ऐसा कोई रूल थोड़ी है, वो तो आपके लिए है ना कितने सेकेंड के लिए सॉल्व करना है। तो ये मैंने सॉल्व किया सिमुलिंक से, और जो मैंने सॉल्व किया था बाय राइटिंग द कोड, सी सेम काइंड ऑफ ग्राफ इज देयर एंड दिस इज थ्रू सिमुलिंक। तो बाय कोड करना है, तो जिसे ये है मैंने क्लोज कर दिया उसको, जस्ट वेट अ मिनट, ये पेंडुलम इक्वेशन का ये, इसमें फंक्शन बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये पेंडुलम हो गया, ये एक्स इज थीटा हियर, सो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी, टू इनपुट्स हो गए, जो कांस्टेंट है जिसे लेंथ 1 है, 9.81 इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि थीटा इज x1, तो डी थीटा बाई डी टी विल बी x2, एंड अगर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है डी स्क्वायर टी बाई डी थीटा स्क्वायर, सो डैट विल बी x3। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर होंगे हम ऐसे अजम्पशन कर लेंगे। इस केस में ये अब ये इक्वेशन था साइन थीटा, तो थीटा एक बोला था कि मैं वो x1 होगा, तो मैंने यहाँ पे x1 प्रोवाइड करवा दिया, राइट। डी थीटा बाई डी टी x2 होगा, वो यहाँ पे मैंने x2 प्रोवाइड करवा दिया। और ये क्या था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये पूरा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे सेमी कॉलन करके जितने भी मतलब हम कर क्या रहे हैं कि मल्टीपल ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको भाई कमांड सॉल्व करना है, तो OD45 और जो मेरा फंक्शन है उसको मैं कॉल करूंगा, ये टाइम स्पेन है, कितने से कितने रेंज में सॉल्व करना है, टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज दिस, टी इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज दिस, वी प्रोवाइड लाइक दिस एट टू आउटपुट्स वी विल गेट, एक तो टाइम मिलेगा मुझे और एक्स क्या है जिसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों सेम होगा। तो बाई कमांड जस्ट हियर आई विल रन दिस एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड, सो एग्जीक्यूटेड एंड लेट्स प्लॉट टी कॉमा एक्स, दिस इज द प्लॉट इसके लिए है ना। सेम थिंग वी कैन डिजाइन हियर इन सिमुलिंक, सिमुलिंक है नहीं आपके यहाँ, बट स्टिल मैं बता देता हूँ, ट्रायल वर्जन में कभी आप ट्राई करोगे तो ये सेम इक्वेशंस है। और यहाँ पे ये थीटा हो गया, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे ये थीटा डैश नहीं है, एक मिनट, ये है थीटा डैश
एंड सी थीटा डैश इज इक्वल टू क्या है, जी बाई एल, जी इज 9.8, एल इज 1, तो माइनस 9.8 से मल्टीप्लाई हुआ जी बाई एल इंटू साइन थीटा, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सेम इक्वेशन वी आर गेटिंग, और थीटा मेरा यहाँ से आ रहा है और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके अगर मुझे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे करके मुझे आउटपुट चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट करूँगा, सिग्नल पे जाऊँगा और मैं इसको लॉग सिग्नल पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे जो भी डेटा है, यहाँ पे वाईफाई टाइप बन गया है ना, तो डेटा लॉग होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि डिफरेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पे मुझे इसको चेक करना है, राइट। तो मैं एक काम करूँगा, लाइब्रेरी ब्राउज़र में जाऊँगा, डैशबोर्ड में जाऊँगा और यहाँ से एक स्लाइडर ले लूँगा, ये स्लाइडर आ गया, ठीक है, ये दिस इज द स्लाइडर, इट इज स्टिल एडिंग, डबल क्लिक करूँगा। ये पूछ रहा है कि आप किस वेरिएबल को चेंज करना चाहते हो, इट्स सेइंग दैट डबल क्लिक टू कनेक्ट। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी चेंज करना है, इनिशियल वेलोसिटी हम इस ब्लॉक में दे रहे हैं, सिलेक्ट किया। अब ये देखो आप, इनिशियल कंडीशन मुझे चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन सिलेक्ट कर लिया, डेट्स ऑल डन। अब मैं लेट से इनिशियल कंडीशन इज समवेयर, यहाँ से मैं रोटेट कर देता हूँ, सॉरी अभी 15 पे है ना इनिशियल कंडीशन, तो यहाँ पे भी वो 15 हो जाएगा, 14.59 वहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, राइट। अब मैं डेटा को लॉग भी कर रहा हूँ, राइट। अब इसको मैं रन कराता हूँ, रन हो गया, राइट। लेट से कि इनिशियल वेलोसिटी 75 है या समवेयर ही है 75, राइट। अब जब से मैंने 75 सिलेक्ट किया, ये चेंज हो गया समवेयर 74.59, राइट। दोबारा मैंने इसको रन कराया, दो आउटपुट मेरे पास आ गया, एक बार जब वो अराउंड डिफरेंट वैल्यू था, दो वैल्यूज पे चेक किया। अब ये डेटा मैं लॉग कर रहा हूँ, डेटा इंस्पेक्टर में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, डेटा इंस्पेक्टर में जाऊँगा। अब पहला वाला, ये पहला रन है, थीटा की वैल्यू ये दिख रहा है ऐसे करके, मतलब पहला नहीं, लेटेस्ट वाला जो रन है, ये थीटा की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट है ना। इसी तरह दूसरा जो फर्स्ट वाला रन कराया था, वो आर्काइव में सेव हो जाएगा, इसको भी मैं प्लॉट करूँगा, तो ये दिख रहा है, एक ऐसे डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है। अब मुझे चेक करना है 0.5 पे, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ यहीं पे 0.5 दे देता हूँ, ठीक है, 0.5, लेट मी चेक, इट इज 0.5, तो ऑटोमेटिक यहाँ से स्लाइडर चेंज हो गया। दोबारा रन कराता हूँ और फिर से मैं डेटा इंस्पेक्टर में जाऊँगा, तो ये थर्ड रन है ना, तो मैं इसको, जो पहले वाला रन है वो नीचे सेव है, इसको मैं क्लोज कर हटा देता हूँ, देखिए 0.5 पे ऐसे दिख रहा है ना। और जैसे जैसे लेट से कि मैंने दो रन कराया, उसे मुझे कंपेयर भी करना है, तो मैं जाऊँगा कंपेयर में, है ना, यहाँ से बेस लाइन, लेट से कि जो मैंने पहला वाला रन कराया था उसको दूसरे वाले से कंपेयर करना है, क्या डिफरेंस आ रहा है, वो सारी चीज़ें है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये दो रन दिखा रहा है और ये दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है आउटपुट का, मतलब हमें पैरामीटर ऑप्टिमाइज करना है डिफरेंट वैल्यू पे, हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। एक तो ये कर सकते हैं, इसी में मैं स्लाइडर यहाँ पे इसको, ये स्लाइडर है, इसमें एक डैशबोर्ड स्कोप है, इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ये डैशबोर्ड स्कोप यहाँ पे, ये जगह कम है ना, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और ये पूरा जो है इसको थोड़ा सा इधर में कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे डैशबोर्ड, अब ये डैशबोर्ड में इट इज़ रिटन डबल क्लिक टू कनेक्ट, क्या मुझे देखना है इस पर, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, लेट से कि ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है ये डिस्प्ले कराना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको अप्लाई कर दूँगा, तो मैं कंटिन्यूस चेंजेस इसमें देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 5 सेकेंड के लिए ना रन करा के इन्फिनिटी के लिए रन करा दूँगा, इन्फिनिटी,
या लेट्स से कि फाइव, लेट्स से कि 50 सेकेंड के लिए रन कराता हूँ, और 50 सेकेंड के लिए यहाँ पे जाऊँगा और सिमुलेशन पेसिंग जो है थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ कि थोड़ा स्लो रन हो। तो मैं यहाँ पे कुछ इनेबल स्पेसिंग, तो ये डिफ़ॉल्ट वन है, थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूँ इसको, स्लाइडर को इधर मूव कर देता हूँ, तो ये थोड़ा स्लो रन होगा, है ना। अब मैं इसको रन कराता हूँ। अभी जब थीटा 2.5 है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, दिख नहीं रहा इस पर, जिसमें ऐड नहीं हुआ क्या? एक मिनट, ये दिख रहा है, मतलब वो थोड़ा रियल टाइम में होता है तो दिखता नहीं है। मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ, वो टाइम लगता है थोड़ा सा धीरे धीरे आने में। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हालांकि डिस्प्ले होगा क्योंकि काफ़ी स्लो है। तो इस ड्यूरिंग रनिंग टाइम मैं ये इनिशियल वेलोसिटी चेंज करके भी चेक कर सकता हूँ। जैसे ये चेंज कर दिया तब इसमें कुछ और आउटपुट आएगा, अभी ये चेंज कर दिया, मतलब रन भी हो रहा है और मैं इनिशियल वैल्यू को चेंज करके भी चेक कर रहा हूँ। दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो वी कैन डू। सो ये स्टॉप होने के बाद डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू आया है, ये है ना, तो इस टाइप से भी रन करा सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स वी कैन डिज़ाइन हियर एज वेल इन द सिमुलिंक। आप यहाँ से डेटा को सेव भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू सेव दिस डेटा डेट ऑल्सो वी कैन डू। ये ऑटोमेटिव में काफ़ी सिमुलिंक यूज होता है ऑटोमेटिव पर्पस के लिए। अच्छा, कुछ इमेज प्रोसेसिंग का इसी पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो जैसे लेट्स से कि मुझे लाइव एज डिटेक्शन करना है, मतलब सिमुलिंक पे, तो मैं जाऊंगा, ये पार्ट है इमेज प्रोसेसिंग का, कंप्यूटर विजन में जाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे सोर्स चाहिए होगा, है ना, तो सोर्स के लिए मैं एक कैमरा ऐड करूंगा इसमें, है ना। तो ये इमेज एक्विजिशन है, यहाँ से कैमरा ऐड कर लूंगा मैं। अब मुझे एज डिटेक्शन करना है इसका, राइट। तो मैं दोबारा इसमें इस ग्रुप में जाऊंगा, डेट इज़ कंप्यूटर विजन। कन्वर्जन में देखते क्या क्या है इसमें। गामा है इमेज टाइप कन्वर्जन, ओके, एंड मॉर्फोलॉजी इज देयर, डायलेशन इरोजन जो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे यहाँ भी कर सकते हैं, और एंड व्हाट मोर थिंग्स आर देयर, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इमेज को किसी फॉर्म में रोटेट वगैरह करना हो, या 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट करना हो, कैट कमांड जो दे रहे थे ना, तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक डिफरेंट वे, डिफरेंट फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करना, तो ज्योमेट्री के जो मतलब ऑपरेटर्स होते हैं वो अप्लाई करना है बेसिकली उसमें। ये आ गया एज डिटेक्शन का ब्लॉक है इसमें, राइट। यहाँ से ये कलर्ड इमेज आएगा, लेकिन हम एज डिटेक्शन तो कलर इमेज का कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, आउटपुट टाइप ग्रे स्केल कर देते हैं, तो सिंगल आएगा। हाँ, चेंज डिटेक्शन ना, चेंज डिटेक्शन, एक जगह किसी कहीं गवर्नमेंट में उन्होंने मुझसे पूछा था, उनका वो एप्लीकेशन था चेंज डिटेक्शन, बिल्कुल कर सकते हैं चेंज डिटेक्शन। हाँ, कर सकते हैं, जैसे आपके पास सैटेलाइट इमेजेस है तो एक 10 साल बाद, लेट से कि 10 साल पहले ये था, 10 साल बाद क्या हुआ, चेंज डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक जगह इमेज प्रोसेसिंग यूज कर सकते हैं उसके लिए, तो जैसे जैसे लेट से कि फॉरेस्ट ही है, अभी इसका एरिया इतना था, अभी इतना हो गया, एक तो जो दिखाया था दोनों का आप फाइंड करके एरिया माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। या एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, पहले 10 ऑब्जेक्ट थे, अब 15 हो गए, है ना, इस टाइप का डिटेक्शन तो कर ही सकते हैं, मतलब जो दिखाया था उसी में से कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके ऐसे करके आप कर सकते हो, एरिया कितना हो गया। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो इमेजेस होगा तो उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करना होगा,
या तो आप ऐसे कर ले कि चलो मेरे एक एक साल का है, मुझे 10 साल पहले 5 ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो उसमें प्लेसेस है, अब 6 हो गए, अगले साल 7 हो गए, ऐसे कई सारे ईयर का डेटा है, तो आप नेक्स्ट का फोरकास्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितने हो जाएंगे। या कोई ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, जैसे लेट से कि आपका वो बढ़ रहा है, फॉरेस्ट बढ़ता जा रहा है या घट रहा है, तो वो डेटा एज अ एरिया मैं 10 साल का निकाल के रख लूंगा। अब मेरे पास एरिया आएगा तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में कितना बढ़ेगा। तो वो तो सिंपल है, मतलब फोरकास्टिंग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं ना उस टाइप से। ठीक है, इसमें एज डिटेक्शन करना है, मुझे आउटपुट देखना है, तो मैं सिंक में जाऊंगा और यहाँ से वीडियो व्यूअर ऐड कर दूंगा, राइट, जिसपे मुझे वो दिखेगा। तो एज अ डिफॉल्ट वो सोवेल मेथड है, ठीक है, एंड इसको रन कराते हैं और चेक करते हैं कि क्या डिटेक्ट हो रहा है। सी द एज इज डिटेक्टिंग, राइट, लाइव एज डिटेक्शन, दिस सेम लिंक, सेम थिंग हम लोग कोड से कर रहे थे और सेम थिंग यहाँ पे हमने सिमुलिंक से कर दी। इसमें काफी नॉइज भी आ रहा है, राइट, तो हम डिफरेंट एल्गोरिथम चेंज भी कर सकते हैं। इसको एक बार स्टॉप करके, जिसे सोवल मेथड है, कम या ज्यादा का कोड कुछ एड्रेस करेगा क्या? मान लीजिए हम बहुत कम टाइमिंग दे रहे हैं या फिर 100 टाइम जैसे वो वहां पे कर लेंगे किस चीज के लिए? जिसके पहले ये तो वाले। इन्फिनिटी टाइम के लिए अभी चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है अभी इन्फिनिटी टाइम के लिए, मतलब ये रियल टाइम में रन हो रहा है। हाँ नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने टाइम स्पेन के लिए सॉल्व करना है, कितने टाइम स्पेन के लिए उसको सॉल्व करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब उस केस में सिर्फ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है, तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही आएंगे। अगर लेट्स से कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए जो जो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैटलैब में एक सिंबॉलिक मैथ आप यूज कर सकते हो। मतलब मैं दिखाता हूँ एक सिंबॉलिक मैथ से, विदाउट सिमुलिंग, विदाउट ओडी क्रिएटिंग। जैसे लेट से कि मुझे एक इक्वेशन ही डिराइव करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक सिंपल सा इक्वेशन है ये, आई मीन न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। तो सबसे पहले सिंबॉलिक मैथ में जो जो भी हम पैरामीटर यूज करते हैं उसका सिंबल्स क्रिएट कर देते हैं सिम्स कमांड से, सिंबल्स। इसमें हमें जैसे जब हम मैटलैब में सॉल्व करते हैं तो हमें पहले उसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है, इसमें नहीं, वन सिंबल इज क्रिएटेड। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखेंगे, तो मैटलैब में एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ये एक्सेलरेशन ही सॉल्व करना है मुझे, है ना। तो ए इज इक्वल टू डी, मतलब वो डिफरेंशियल हो गया, ये यस एस क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टी, टू टाइम्स इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन, है ना, इक्वेशन लिख दिया। अब फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये परफेक्ट इक्वेशन दिख रहा है ना, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन और ये हो गया मेरा वेलोसिटी। ये सेकेंड ऑर्डर का, क्या कह रहे, पहले से होगा नहीं, आपको कोई भी इक्वेशन, ये मैंने बनाया है, मतलब आपको जो सॉल्व करना है ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पहले से क्या, पहले से नहीं, आप अपना कस्टम इक्वेशन सॉल्व कर रहे, ऐसा थोड़ी पहले से जो है वही करेंगे, नहीं, ये तो मैंने लिखा है। अब मैंने कंडीशन डिफाइन कर दिया, टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो और टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी इज यू, मुझे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सॉल्व करना है, बस इतना मैंने कंडीशन असाइन कर दिया। ये मेरा कंडीशन देखिए प्रॉपर दिखता है सिंबॉलिक मैथ में, सी टी इज इक्वल टू जीरो पे यू है, टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। वंस इट इज डन टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वी यूज डी सॉल्व, ठीक है, डी सॉल्व यूज करते हैं,
solve acceleration with conditions. Once I will learn this, and I got that equation here. See, आ गया ut plus half at square solve हो गया. So symbolic math आपका नहीं है, but mathematical computation के लिए symbolic math काफी easy है. So differential equation solve करना है तो we can use symbolic math also to solve that. बाकी कंटेंट वगैरह मैं गूगल ड्राइव से शेयर कर दूंगा. लेटेक्स पे काम करते हो तो कोई भी आप इक्वेशन सिंबॉलिक मैथ में लिखिए, सिंगल लाइन लेटेक्स आप लेटेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ये लेटेक्स है, कोई भी इक्वेशन सिंबॉलिक मैथ में लिख के लेटेक्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. सो ये डी सॉल्व से मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया. इसमें एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगा. बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अभी है हमारे पास टाइम. और कुछ मतलब जानना हो या समथिंग एल्स. चेंज डिटेक्शन के लिए बेसिकली उनका क्या एप्लीकेशन था ना, वो बड़े इमेज को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करना था. पहले तो उनको क्रॉप कह सकते हो, छोटे छोटे पार्ट में क्रॉप करके फिर उनको डिटेक्शन करना था. मतलब पूरा एट अ टाइम पूरे इमेज में नहीं, छोटा 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 पार्ट में डिवाइड कर, मतलब उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी आएगी ना जब छोटा छोटा हो जाएगा तो हर का. फिर उसके बाद कंबाइन कर दो आप, जो भी मर्ज करो डिफरेंस निकाल लो, ऐसा करते थे. जिसे एक बार डीआरडीओ में गया था तो उनको इमेज प्रोसेसिंग मैटलैब इसीलिए परचेस किया था उन्होंने कि पायरेसी डिटेक्शन के लिए. जैसे एक ओरिजिनल टेक्स्ट है एक पायरेटेड है, तो मुझे मतलब उसमें ऐसा कंप्यूटर विजन लगा के फाइंड आउट करना था कि कहाँ कहाँ पे पायरेटेड में चेंजेस है. तो वो सिंपल है, एक तो OCR यूज कर सकते हैं, माइनस करके जहाँ जहाँ डिफरेंस होगा पता चल जाएगा, माइनस करेंगे तो जहाँ इक्वल होगा तो जीरो आएगा ना उसकी इंडेक्स वैल्यू. फिर उसके बाद जहाँ पे वन वन आ गया या माइनस वन आ गया तो वहाँ पे चेंजेस है. तो फिर हम क्या करते थे, किया था उनको बताया था एक ओवरव्यू, तो ब्लॉब एनालिसिस लगा के उसका बॉन्डिंग बॉक्स आ गया, फिर उस पर डिस्प्ले करा देता था कि ये देखो यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है ना, डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट में. मतलब इमेज को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में. नहीं तो मतलब हाँ, लेकिन आपका एप्लीकेशन क्या है. मतलब देखिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैसे क्या आता है ना कि वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड होता है. जैसे आपके जो कैट के होते हैं वो मैकेनिकल ऑटोमेटिव के लिए डेडिकेटेड होता है ना. अगर मैं जैसे आर सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ मशीन डीप लर्निंग के लिए डेडिकेटेड है. तो मैटलैब हाँ, मैथवर्क्स क्या है कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करिए, यू हैव टू यूज ऑन द टॉप ऑफ द मैटलैब. नहीं हाँ वो कम है राइट. हमारा जिसे मैं इसीलिए सर से बोला था कि या तो मैं बेसिक से बता दूं दो तीन दिन या सारे मॉड्यूल को कवर कर लो. तो सारा कवर करना होगा तो थोड़ा स्पीड तो फास्ट रहना चाहिए है ना. तो वो बट मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो सेशन होता है ना वो ओवरव्यू होता है. मतलब आपको टूल बॉक्सेस क्या क्या है, कैसे एक्सेस करना है, ये बताते हैं हम लोग. वो ट्रेनिंग नहीं होता. जैसे ट्रेनिंग मैथवर्क से होगा आपका तो वो ट्रेनिंग का कॉस्ट 10 लोग रहेंगे और अराउंड 1.5 लाख लेते हैं एक दिन का. 1.5 लाख अराउंड रहता है 10 लोग का, 10 लोग
उससे ज्यादा आप कहोगे रिक्वेस्ट वो रहते हैं, फिर उसमें वो मटेरियल आप खुद कर सकते हैं। जैसा ऐसा ही ट्रेनिंग, जैसे और कोई ट्रेनर आएगा जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, क्या होगा कि मैं यहाँ पे कोड ओपन कर दूंगा, आपसे बोलो एक लाइन समझा दूंगा, कर दूंगा टाइप करो, आप 1-2 मिनट दूंगा, नहीं कर पाए तो मैं करके दिखाऊंगा। तो अब जैसे जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है सिर्फ बेसिक मैटलैब का, वो 3 डेज का होता है, सिर्फ बेसिक मैटलैब। और मैक्सिमम ट्रेनिंग मैटलैब का 3 ही दिन का होता है कोई भी एप्लीकेशन पे। तो जैसे कोडर सीखना है तो 1 दिन का होगा, डेटा एनालिसिस सीखना है, मशीन लर्निंग, तो वो 1 दिन का ही होता है। तो उसमें भी 1 दिन में आप कितना सीख पाओगे, उसमें भी अगर डायरेक्ट मैथवर्क से, मैटलैब मैथवर्क्स का ही है तो ऐसे होता है, और कॉस्टली भी होता है, बट वो इस एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। अभी कितना हाँ पर अब वो सब मेरे को नहीं पता है, मैं तो डिजाइन टेक से हूँ, तो वो आपको देवजीत अरे वही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो हमारा ओवरव्यू वो एक्चुअली वो आपके उसमें इंक्लूडेड होता है, तो वो चार्जेस नहीं करते एक्चुअली ना। हाँ वो चार्जेस नहीं लेते एक्चुअली। फ्रॉम हमारा MOM होता है मैथवर्क से, वी कैंट प्रोवाइड अ पेड ट्रेनिंग, तो हमारा तो फ्री ही है, डोंट वरी। हमारे वो चार्जेस नहीं होते, उसमें इंक्लूड होता है आपके जब परचेस ऑर्डर वगैरह आता है कि 5 डेज ट्रेनिंग चाहिए, तो वो इंक्लूडेड होता है उसमें। ठीक है, इन केस अगर पेड कराना तो मैथवर्क्स करेगा, मैं नहीं करूँगा। कर सकता हूँ इफ क्लाइंट दे पीपल आर एग्री, बट वो मैथवर्क्स ही करता है एक्चुअली। दो लाइसेंस लिए हैं हाँ आपका सर्वर क्लाइंट बेस्ड है, 2 लाइसेंस है और बाकी मॉड्यूल्स एक एक ही है। तो एट ए टाइम 2 मैटलैब आप यूज कर सकते हो, मॉड्यूल एक एक यूज कर सकते हो। नहीं 1 ईयर आप अपडेट कर सकते हो, बट वो लाइफ टाइम चलेगा, 1 साल के बाद अपडेट नहीं कर सकते ना, ये एड ऑन करा सकते। हाँ जैसे इसमें काम करता, सारे नहीं, 26 फ्री है बस, 115 में से। जैसे वो नहीं था ना एक टूल बॉक्स, उसमें ऑनलाइन में नहीं दिखा रहा था। हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट में क्या चलेगा? चलेगा हाँ, गवर्नमेंट से डालेंगे तो ताकि उनको पता होता है, तो वो एक्टिवेट कर देते हैं जल्दी, ये सोच के कि चलो कर दो। हाँ नहीं उनको पता होता है कहाँ से आता है, ब्लॉक कर देंगे, सोर्स तो एक ही जगह से आएगा ना, उनको मशीन का मैक आईडी वगैरह सब एक ही होगा ना। तो बट अगर आप सच में कर रहे हो तब उनको मतलब रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमें इस पे काम कर रहे हैं, आप 15 डेज एक्सटेंड कर लीजिए, तो कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे वो देवाजीत जी हैं वो कर ही रहे हैं ना, 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर तो रहे थे वो। डिफरेंट नहीं सेम ही ईमेल पे रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा आपको, मैं तो उसको या मुझे डालेंगे मतलब डिजाइन टेक को, क्योंकि डिजाइन टेक सोल ऑथराइज पार्टनर है मैथवर्क्स प्रोडक्ट का। तो मतलब आपके रीजन में ईस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में किसी को भी मैटलैब लेना है तो मैथवर्क्स भी आपको नहीं देगा, मैं मतलब डिजाइन टेक ही देगा सिंगल पार्टनर। जैसे ये था DRDO के, कैसे मैंने उनको बताया था और उन्होंने किसी वेंडर से वो करवाया था, 30 लाख मांग रहा था उनसे। तो ये एप्लीकेशन बनाया था, जैसे मेरे पास ना 2 है, ये एक ओरिजिनल है एक पायरेटेड है।
तो ये मैंने बनाया, ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने डाला। अब ये मांग रहा है दूसरा वाला डालो जो पायरेटेड है, ये दूसरा डाला। अब ये देखिए, इसमें जहाँ जहाँ पे डिफरेंस है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो दिखेगा आपको। ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है या कहीं कहीं ग्रीन, वहाँ पे चेंजेस है। क्यों नहीं इमेज में क्यों नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा ना, आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना पड़ेगा ना उसमें, फिर ब्लॉब एनालिसिस लगा के हम बाउंडिंग बॉक्स पता चल जाएगा कि जिसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें बाउंडिंग बॉक्स उसका नहीं आएगा। इंसर्ट शेप से हम पता कर लेंगे कि इसमें ये चेंजेस है, इसमें ये नहीं है। हाँ हाँ, कमांड मतलब आप, ये तो टेक्स्ट के लिए है, ये तो सिंपल है। आप वो सेगमेंटर जो बताया था ना, कलर थ्रेशोल्डर और सेगमेंटर ऐप जो फाइंड आउट कर रहे थे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें। जैसे एक एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ बताया था जैसे जैसे मेरे पास ये डेटा है, एक कोई डेटा है क्या मेरे पास, एक मिनट। जैसे मेरे पास ये इमेज है, दो तीन इमेज है ना, ये एक इमेज है, ये इसको राइट करना है तो आई एम राइट कर लेंगे, है ना, आई एम राइट। और फिर उसके बाद क्या इमेज क्या राइट करना है, ये इमेज के लिए है ना, आई एम राइट। फाइल नेम क्या देना, लेट से कि माई इमेज डॉट जे पी जी, ये राइट हो जाएगा है ना। तो ये आई एम राइट माई इमेज डॉट जे पी जी, तो इसमें जहाँ ये अभी राइट हो गया तो यहाँ पे डॉट जे पी जी दिया हुआ है, तो ये इसमें कहीं आएगा माई इमेज डॉट जे पी जी, ये इमेज ये आ गया, सेव हो गया है ना, ये इमेज सेव हो गया यहाँ पे, राइट। अगर एक्सेल फाइल डेटा है, जैसे मैं एक डेटा क्रिएट कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू मैजिक 5, तो ये 5 रोज 5 कॉलम्स है, इसको एक्सेल फाइल में अगर एज अ टेबल राइट करना है तो एज अ टेबल राइट भी कर सकते हो, एक्सेलस राइट है ना, माय cmpdi, जैसे cmpdi फाइल, ये मेरा डॉट xlsx है ना, कॉमा क्या राइट करना है, ये ए नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जब आप सेव करते हो, मैं बताता हूँ कैसे dpi बढ़ा सकते हो आप। तो ये इमेज आ गया है मेरा, ये क्या नाम दिया, एक्सेल फाइल में सेव किया था ना, तो समवेयर यहाँ पे एक्सेल क्रिएट हो गया होगा। हाँ, कहाँ गया, ये आ गया है ना, ये नीचे। तो इसको जब मैं ओपन करूँगा, ये बाहर ये ओपन हो गया, ये डेटा पूरा आ गया। एक्सेलस राइट में जाएंगे तो जिसे अपेंड करना है, नया नया डेटा आ रहा है और अपेंड होना है, तो वो भी मैं कर लूँगा। तो जिसे जिसे ये आई एम शो, ये इमेज है क्या, मैं देखता हूँ, जिसे ये इमेज है, ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट किया था चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पता था ना, 1-1 आएगा तो चेंजेस है ना, फिर ब्लॉब एनालिसिस लगा के उसका आ गया था बाउंडिंग बॉक्स। तो इसमें फाइल में जाएंगे ना, इसमें इसमें एक्सपोर्ट सेटअप का ऑप्शन होता है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, कहाँ पे गया वो, ये dpi, कितना dpi देना है, 60 dpi, जो बड़ा बैनर पोस्ट करना, तो 600 dpi दे दिया, तो फिर इमेज आपका स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा से प्रिंट होगा, वो मतलब बड़ा वो dpi करके दे सकते हैं वहाँ पे। बाकी जैसे ये देखना है ना किस टाइप के फाइल्स है, जैसे हेल्प में जाओगे आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्ट बेसिक मैटलैब का है, तो मैं पहले मैटलैब पे क्लिक करूंगा, फिर ये डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है ना, तो आई विल क्लिक हियर डेटा एक्सपोर्ट एंड एनालिसिस,
फिर उसके बाद डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लिखा है, यहाँ पे एग्जांपल से कि कैसे करना है। फिर इसमें लिखा है कि सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करूंगा तो यू सी हियर, जैसे टेक्स्ट डेटा है, तो टेक्स्ट डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कैसे और राइट कैसे करेंगे, है ना। एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल को रीड कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे, है ना, रीड टेबल राइट टेबल, है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स हैं और उसको रीड राइट। अब जैसे जैसे वीडियो रीड करना है तो वीडियो रीडर यूज करते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कैसे रीड करना है ना, रीड राइट, यहीं से सब मिल जाएगा आपको, डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है। ओके, 1 मिनट। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बनाया, जैसे एक एग्जांपल है, इतने सारे इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं तो कोई सर्कल बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। जैसे मेरे पास 10 सर्कल, आपके पास कुछ और डेटा होगा, कितना बड़ा हुआ कितना नहीं हुआ, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालने के बाद जो सबसे बड़ा वाला एरिया है, ये वाला सर्कल, उसको आप दिखा भी सकते हो, और जो सिमिलर काइंड ऑफ सर्कल्स है कलर के अकॉर्डिंग दिखा सकते हो, ये वाले कलर सेम टाइप के हैं, येलो वाले सेम टाइप के हैं, मतलब जिनका एरिया इक्वल है ना, इस टाइप से आप पूरा एरिया, सेंट्रोइड, बाउंडिंग बॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो आप ब्लॉब एनालिसिस से भी कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग यूज करके भी आप कर सकते हो। एंड इस टाइप का ऑब्जेक्ट्स है, लेट से जैसे ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे फाइंड आउट करना है सारे के एरिया और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, तो इससे हम मतलब वो पता कर सकते हैं, चेंज चेंज डिटेक्शन। तो ये सारे मैंने फीचर एक्सट्रैक्ट करके बताया सारे फीचर, एक्सट्रैक्ट करेगा हाँ, नहीं इसमें इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है ना, ये जैसे बाइनरी में कन्वर्ट हो गया प्री प्रोसेसिंग लगा के। तो इस केस में मैंने ऐप ओपन नहीं किया है, ऐप से नहीं किया है भाई, कमांड कोड किया हुआ है, तो इसमें बी कॉन कॉम एक कमांड है जैसे, तो ये फाइंड आउट कर लेता है कि कितने नंबर ऑफ उसमें ऑब्जेक्ट्स है और उसका इंडेक्स भी आ जाता है। तो आप ऐप से भी कर सकते हो, ये सबसे ये अब इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये केक है, मैंने दिखाया है उसमें। फिर उसके बाद इसको फिर ये वाले में देखोगे आप, तो ये बाउंडिंग बॉक्स दिखाया है, सबसे बड़ा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो एक बार एल्गोरिथम बनाना है, सैटेलाइट इमेजेस एक ही टाइप के होते हैडिंग हैं। लग रहा है ना, हैडिंग इसलिए सही लग रहा हाँ, है, हेड जो है, कौन सा, ये हेड जो है, हेड 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 जो ब्लैक वाला जो है, ये, बट सबसे बड़ा इसी का है। हाँ मैंने वो निकाला है ना मैक्स कमांड देके, सारा एरिया आ गया, मैक्स किया तो उसका कौन, थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत कम होगा बट इसी का सबसे बड़ा है। तो चेंज डिटेक्शन तो कर सकते हैं आप, क्या वो जियोग्राफिकल जो AMD वगैरह उस टाइप के हैं वहाँ पे करते हैं।
15 मिनट और है फिर निकल जाएंगे। ये जैसे लाइव मास डिटेक्शन का ऐप बनाया हुआ है, तो इस टाइप से भी ऐप बना सकते हैं। वैल्यूम स्लाइडर लगा सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, इस टाइप के पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं। तभी ये वैल्यू कम है ना, ये ऐप मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ। Anyone can use it their home for mass detection. ये थोड़ा डार्क आ रहा है ना, इसलिए वो क्लियर नहीं होता, पर नहीं वो परफेक्ट करता है। कैमरा अच्छा होना चाहिए, बट वो एक्यूरेसी अच्छी है। हाँ हाँ वो डार्क है ना थोड़ा। हाँ नहीं, कैमरा अच्छा होगा तो बता देगा। देखिए अभी आ गया ना, थोड़ा सा मूव करते हैं। कैमरा अच्छा है, डार्क भी है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। अभी यहाँ से वैल्यूम भी मैं बार बार मैं चाहता हूँ रिपीट ना करे। अभी यहाँ से वैल्यूम भी कम कर दूंगा। ऐसे ऐसे ऐप बना के वो बेचते हैं। अब इसको एग्जिट करना है तो प्रेस ए टू एग्जिट। अभी रन हो रहा है इन्फिनिटी लूप में। अब जैसे यहाँ से ए प्रेस करूंगा ना तो एग्जिट हो जाएगा। ऐसा मैंने कमांड डाला हुआ है कि ये प्रेस करूँ तो एग्जिट भी हो जाए। अ सिमिलर काइंड ऑफ ऐप मैंने बनाया है आईओटी, जो थिंग स्पीक बता रहा था उससे कनेक्ट करूँ मैं। मतलब मैं मोबाइल से वैल्यू जीरो दो तो ऐप, ये ऐप बंद हो जाए, वन दो तो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए। हाँ, तो इस टाइप के एप्लीकेशंस भी मतलब आप बना सकते हो। इसमें लैम्प भी जलेगा, अगर ये ऑन है तो ग्रीन जलेगा, ऑफ है तो रेड जलेगा। इसमें इसको ऐप को शेयर करने के लिए तो मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा आपसे। ये नहीं, ये तो विंडो के लिए है, एंड्रॉयड में नहीं चलेगा, विंडो पे ही चलेगा। मैं एंड्रॉयड से कंट्रोल करता हूँ ऐप को। जैसे लॉजिक क्या है कि यहाँ से डेटा मेरा थिंग स्पीक पे जाएगा, थिंग स्पीक से इस ऐप पे जाता है। तो थिंग स्पीक राइट कमांड, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है ना, सिमुलिंग से बना सकते हो आप एंड्रॉयड ऐप्स, तो सिमुलिंग से बना सकते हैं। तो मैंने थिंग स्पीक राइट कमांड होता है उस पर राइट करने के लिए, और इसमें मैंने थिंग स्पीक रीड डाला है। तो इफ थिंग स्पीक रीड इज वन तो वो वाइल्ड लूप चलने लगेगा, एंड इफ थिंग स्पीक रीड इज जीरो देन ब्रेक। सिंपल सा कमांड, मतलब इस टाइप से करके मतलब बनाया हुआ था। नहीं वही मैं फिर बता ना, अलग अलग एप्लीकेशन है किस पे आप करना चाह रहे हो। तो जैसे मैथवर्क्स का जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है 3 डेज का बेसिक मैटलैब, आई थिंक अभी शायद उन्होंने नहीं, 3 डेज ही है, 3 डेज है।
हाँ सिर्फ अगर 3 डेज बेसिक करोगे तो फिर जैसे 3 डेज का रहता सिर्फ मैटलैब, तो मैं आपको फिर वो कोर्स मटेरियल भी देता, फिर वो प्रॉपर हैंड्स ऑन करते फिर ना उसमें। अब 14 टूल बॉक्सेस 3 डेज में कंप्लीट करना, कहा वो एक ही बेसिक मैटलैब है ना, तो नहीं हो पाता ना पर सारे। सबके में इंस्टॉल भी होता है सबके। नहीं तो फिर हम आप जब ट्रेनिंग पेड ट्रेनिंग करवाते हो तो डेमो लाइसेंस इंस्टॉल करवाते हैं ना सबके लिए, प्रॉपर वे से डेमो लाइसेंस सबका इंस्टॉल करवाएंगे, उस हिसाब से होता। अभी भी बोला था एक्टिवेशन के लिए तो एक्चुअली बाद में फोन आया कि हैंड्स ऑन ऐसा कुछ है, बोलना तो चाहिए था वैसे टाइम ऐसे टाइम करने लग के गया लिए, तो था। वही इसके काम में चला भी बहुत सकता नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप ये सेल्फ पेस कोर्सेज कर सकते हैं। अब ये कि इसमें आपको खुद करना है तो थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, कोई बैठ के कराता है तो आप करोगे मतलब पूरा, वो डिफरेंस है बस। तो यहाँ पे ये कोर्सेस हैं मेरे यहाँ पे सारे। जो हाँ गाड़ी चला रहा है भैया कितने ज्यादा पलंग समझ आता है। नहीं, अब मेरे साथ भी जैसे जैसे मुझे कहीं जाना हो, किसी के नए प्लेस पे जाना है, लेट से पैदल ही जाना है कैसे भी, किसी के साथ जाता हो तो मुझे पाथ याद नहीं रहेगा। अगर फिर वहां से बोलोगे अकेले रिटर्न आ जाओ ना, तो मैं भूल जाऊंगा, जब अकेले जाऊंगा तो मुझे याद रहता है कैसे गया, तो वो तो रहता ही है। हाँ प्लस इसमें एडवांस कोर्सेस है बट पेड है, तो जैसे लेट से किसी को डेटा साइंस पे करना है एडवांस कोर्सेस डेटा प्रोसेसिंग, तो आप ये कर सकते हो, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और कभी भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, कभी भी जब भी टाइम मिले स्टार्ट कर सकते हो आप, और जब कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है मैथवर्क से। जैसे मेरे पास, मैंने बहुत सारे कोर्सेस किए हुए हैं, मतलब अभी कोविड था तो कहीं जाना नहीं होता था, तो मैथवर्क्स वी गेट फ्री फ्रॉम मैथवर्क्स, सो मैंने बहुत सारे कोर्सेस मतलब विद इन मतलब डोनेशन भी किया था। तो ये सारे हैं, जैसे ये डीप लर्निंग ऑनलाइन, ये बेसिक्स हो गए, नीचे ये थोड़े एडवांस है मशीन एंड डीप लर्निंग के, तो जिसे जब आप कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट द सर्टिफिकेट लाइक दिस। ये आ गया अखिलेश कुमार 100% कंप्लीटेड, राइट, ऐसे ऐसे करके पूरा सर्टिफिकेट किस दिन किया वो भी मतलब मेंशन रहता है। आप यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं लिंक्डइन फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग्स। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मतलब आपने जो चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप कितने किए, तो 100% ऐसे करिए। ठीक है, वी कैन क्लोज नाउ।